हर बार फ्रेंच फ्राइज आलू की क्यों बनाना, इस बार हम लोग एक यूनिक डिश सीखने वाले हैं। ये ब्रेड से बनते हैं, चलिए इसे सीखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। हमारे ब्रेड साइड्स होते हैं, इसे यूजुअली सब लोग ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आज हम इसका बहुत ही टेस्टी सा एक स्नैक बनाने वाले हैं, आप इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। इसके लिए हमने ये साइड्स लिए हैं ब्रेड के कट्स करके, और 2 चम्मच हमने बटर लिया है नॉर्मल, गार्लिक लिया है थोड़ा सा कटा हुआ, साथ में हमने ओरिगैनो लिया है, ये पिज़्ज़ा ओरिगैनो लिया है, और चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करें। अब हम लोग इस बटर में थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा पिज़्ज़ा ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, और अब इसे मेल्ट कर लेंगे। अब हमने ये इसे मेल्ट कर लिया है बटर को, हम लोग इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हाथ से, ताकि ये बटर सब पे लग जाए। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये सब पे लग चुका है अच्छे से बटर, अब हम लोग इसे थोड़ा सा हल्का सौते कर लेंगे। अब हम लोग पैन में डायरेक्टली ये सारी ब्रेड्स डाल देंगे, हमने कोई एक्स्ट्रा घी बटर कुछ भी नहीं डाला है। इसको हम लोग 5 मिनट तक सौते करेंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं आफ्टर 5 मिनट्स, अब नाउ इट इज रेडी टू सर्व। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होता है। इट इज गुड फॉर द इवनिंग स्नैक एंड द मॉर्निंग एज वेल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।